पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 78वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी भारत लाइव के दर्शकों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के प्रधान कार्यालय में झंडोत्तोलन किए। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी सहित प्रदेश पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री और वीआईपी के प्रमुख ने कहा कि आजादी सैकड़ों लोगों के बलिदान के बाद हासिल हुई। उन्होंने इस मौके पर अमीर शहीद जुब्बा सैनी, खुदीराम बोस सहित अन्य बलिदानियों को याद करते हुए कहा कि बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। आज संकल्प लेने की जरूरत है, हम बिहार को विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भले ही देश के लिए बलिदान होने का मौका नहीं मिला, लेकिन आज हम इसके विकास में अपना योगदान देकर भारत देश के लिए समर्पित हो सकते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम सब मिलकर गरीबों पिछड़ों को आगे बढ़ाएं, महंगाई और बेरोजगारी के चक्रव्यूह से लोगों को बाहर निकालें, तभी हम संपूर्ण देशवासियों को आजादी का सही एहसास हो सकेगा। मुकेश सहनी ने झंडोत्तोलन की और झंडोत्तोलन के बाद इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की। देखिए, खबर निकल कर ये भी आ रही थी कि मुकेश सहनी जिस तरीके से सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल उनसे मिलने गए थे, उसके बाद से ही चर्चाएं आनी शुरू हो गई थी कि क्या मुकेश सैनी की घर वापसी हो सकती है, क्या मुकेश सैनी एक बार फिर से वापस जा सकते हैं, कि क्या मुकेश सैनी का मन बदल रहा है। इन तमाम तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही थी। हालांकि तेजस्वी यादव उनके पिता के साथ जो हुआ उसके बाद उनसे काफी अंत में मिलने गए, ये भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अब ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश सैनी तेजस्वी को छोड़कर एक बार फिर से एनडीए के साथ हो सकते हैं। लेकिन क्या कुछ होता है, फिलहाल आप आज 15 अगस्त है और इस पर जो मुकेश सैनी ने झंडोत्तोलन किया है, तस्वीरें देखिए, इससे जो भी अगर मुकेश सैनी का कुछ भी कदम होता है उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816700। धन्यवाद।